Hello friends, we will discuss with the previous lecture as we were discussing the basics organic chemistry. Reactions involved in organic chemistry, basics reactions. So, in the last lecture, I have discussed a reaction which was called substitution reaction. Today, we will discuss the next part in the reaction type and its name is addition reaction. Now, look, I have two types of organic compound, एक तो इस टाइप का है, मान लीजिए एक इस टाइप का है, मान लीजिए और एक इस टाइप का है, मान लीजिए। देखिए ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कहने का मतलब कार्बन पूरी तरीके से घिरा हुआ है, यहां पे कोई जगह खाली नहीं है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन टाइप का, यहां पे एडिशन रिएक्शन हो नहीं सकते। नीचे जो दो टाइप के मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं एल्कीन टाइप का एल्काइन टाइप का, यहां पे क्या है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पहले इसकी बात कर लेता हूं डबल बॉन्ड वाले की, अगर ये पाई बॉन्ड टूट जाता है चाहिए यहां को जाए चाहिए यहां को जाए तो ओवरऑल क्या होगा चार्ज क्रिएट होता है। मान लो अगर यहां को जाता है तो यहां पे माइनस चार्ज क्रिएट होता है और यहां पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या है, अब दोनों कार्बन्स के पास तीन तीन बॉन्ड है और कार्बन चार बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इसका मतलब यहां पे एडिशन हो सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता है दोनों कार्बन्स के ऊपर आके। ऐसे ही केस इसमें भी है, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है दो पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट सकते हैं, दोनों पाई बॉन्ड टूटने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी, दोनों कार्बन के बीच में दो दो ही बॉन्ड है बस, तो ये जगह खाली ये जगह खाली ये जगह खाली ये जगह खाली। तो कहने का मतलब है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर एडिशन रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अब एडिशन रिएक्शन भी फर्दर तीन तरह के होते हैं बता देता हूं आपको, जैसा कि आपके सब्स्टिट्यूशन दे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेम ऐसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे दूसरा था उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे आपका दूसरा इसका भी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा था उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सेम वैसे ही इसका भी थर्ड टाइप है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इन तीनों का हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टाइप जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम ही बता रहा है इन एडिशन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है एडिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है जी, आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन किसमें होते हैं, दीज आर दी कॉमन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज एलिहाइड्स एंड कीटोन्स, कैसे, क्योंकि एलिहाइड्स कीटोन्स में कॉमन ग्रुप ये होता है सी जो है डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो ये कन्वर्ट होगा सी प्लस ओ नेगेटिव, जो न्यूक्लियोफाइल है जो ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने पहले बताया था आपको न्यूक्लियोफाइल्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब बॉन्ड टूटने के बाद ये जो सी प्लस है न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। मैं एक रिएक्शन आपको लेकर बता देता हूं जो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू का है, सपोज मेरे पास एल्डिहाइड है आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, जब मैंने इसका रिएक्शन HCN से करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा देखेगा, जैसा ये पहले पाई बॉन्ड ब्रेकअप चल मैकेनिज्म में फिर बताता हूं। पहले स्टेप में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, OH नेगेटिव बेस का अटैक करेगा HCN के ऊपर और H प्लस को लेगा अपने पास, तो क्या बनाएगा वाटर प्लस, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां पे वाटर प्लस सी एन नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे करेगा आर सी एच, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा सी प्लस ओ नेगेटिव, अब सी एन नेगेटिव आएगा अटैक करने के लिए, कहां अटैक करेगा सी प्लस के ऊपर करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा आर सी एच सी एन ओ नेगेटिव, अब जो एच प्लस जो पानी ने लिया था उसे पानी रिलीज करेगा एच प्लस के फॉर्म में, वो यहां अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा आर
CnHOH, ये जो प्रोडक्ट आपका बना है इसे कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन। हमारा दूसरे टाइप का एडिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं लिख के भी डेफिनेशन, ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं दीज आर ब्रॉट बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दीज आर द कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइन्स। और अभी मैं आपको फटाफट थोड़ा सा रिएक्शंस की हेल्प से बताता हूं। इसी लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में से जनरेट होगा जो खुद अनसिमेट्रिकल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, HBr है, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। कैसे? एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, एक तरफ H है, एक तरफ Br है। यहां पे जो क्लीवेज होगी इनके बॉन्ड की बात करूं वो अनसिमेट्रिकल होगी। कैसे? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके टू H, तो ये बॉन्ड यहां गिरेगा तो H प्लस बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H प्लस है, पहले ही अटैक करेगा। ऐसी HBr के अंदर भी Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। इसके केस में भी H प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो कि एल्कीन या एल्काइन के ऊपर अटैक करने वाला है। सपोज कीजिए जैसे आपका पहला रिएक्शन है, मेरे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज करिए दो लेता हूं आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अगली में ले रहा हूं जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये दोनों के दोनों एल्कीन भी कैसी है? सिमेट्रिकल है। कैसे? डबल बॉन्ड के इस तरफ भी CH2 है, उधर भी CH2 है, बराबर ग्रुप लगे, इसलिए सिमेट्रिकल कह रहा हूं इसको। इस मॉलिक्यूल में देखिए डबल बॉन्ड के साइड क्या है? CH CH3, उधर क्या CH CH3, तो ये भी कैसी है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके अंदर मैं अनसिमेट्रिकल HBr को ऐड कराता हूं, जैसे HBr इसमें और HBr इसमें। देखिए ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अब Br नेगेटिव बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपका, H पॉजिटिव बनाएगा, ऐसे Br नेगेटिव बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। अब ऐड इन्होंने यहां पे होना है, कैसे होना है? इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा सर, ठीक है जी। तो क्योंकि यहां पे जो रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल है, इसकी वजह से यहां पे जो पाई बॉन्ड टूटेगा वो भी अनसिमेट्रिकली टूटेगा। लेकिन आपको छूट है, आप नेगेटिव चार्ज कहीं लगा सकते हैं, पॉजिटिव कहीं लगा सकते हैं। सपोज इसे मैंने नेगेटिव यहां लगाया, पॉजिटिव यहां लगाया, पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका एच पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल टूटने के बाद बना, मान लीजिए ठीक है जी, ये अटैक करेगा यहां पे स्लोली, तो इसको बनाएगा पहले CH3। क्या बनाएगा? CH3। मैं लिख देता हूं CH2 पॉजिटिव CH3। जैसे ये बना ये Br नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट CH2 Br CH3। ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की बात, ठीक है जी। और ये फास्ट होगा, ये स्लोली होता है इसका अटैक, और इसका अटैक फास्टली होता है, प्रोडक्ट को बनाना होता है। अब मैं दूसरे केस में देख लेता हूं, देखिए यहां भी जो जुड़ने वाला रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल की वजह से यहां पे बॉन्ड खत्म होगा, Br नेगेटिव है, पॉजिटिव, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल जो पहले स्टेप में अटैक करेगा। अब यहां भी आपको छूट है, पाई बॉन्ड को ब्रेकअप कीजिए आप हिड्रोलिटिकली, आपकी मर्जी है, कहीं नेगेटिव लगाइए कहीं पॉजिटिव लगाइए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसको मैं इसके उल्टा कर दूं, यहां पे सपोज मैंने नेगेटिव लगाया, यहां पे लगाया पॉजिटिव, तो पहली स्टेप जो स्लो होगी एच प्लस अटैक करेगा नेगेटिव के ऊपर, तो क्या बनाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3। और अब जैसे ये प्लस बना जो Br नेगेटिव है अटैक करेगा CH प्लस के ऊपर, ये फास्ट स्टेप होगी, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 CH Br CH3। देखिए ये जो रिएक्शन मैंने करवाया यहां पे कोई परोक्साइड वगैरह कुछ नहीं लिया, सिंपल से एक रिएक्शन मैंने बताया, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी एक और रिएक्शन बताने वाला हूं। अब हम जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है उसमें कैसे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन होती है, किस तरह से आपके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है,
उसी रिएक्शन का फिर से दे रहा हूं, लेकिन इस बार जो मेरी एल्कीन होगी वो होगी अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल प्रोपीन को ले लेते हैं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बात देखिए, डबल बॉन्ड के इस तरफ तो लगा है CH2 और यहां लगा है C2H4, तो ये कैसे एल्कीन होगी? ये एल्कीन होगी आपकी अनसिमेट्रिकल। इसमें जब भी मैं किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करवाऊंगा प्लस HBr, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करवाते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल वो जुड़ेगा उस कार्बन के ऊपर, जिस डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, एच प्लस लगेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आना चाहिए CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो एडिशन होती है जहां पे आपका नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस एडिशन को हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को परोक्साइड की प्रेजेंस में कराऊंगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का भाग नहीं बनेगा, वो तो तीसरा जो आपका टाइप बच रहा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन उसका एग्जांपल कहलाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इसका कि इसकी जो एडिशन होती है इलेक्ट्रोफाइल्स की वो जो होती है एल्कीन्स में होती है एल्काइन्स में होती है। एल्कीन के तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, अब मैं दो एग्जांपल आपको एल्काइन्स को बता देता हूं। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास ये है सिमेट्रिकल एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन सिमेट्रिकल एल्काइन है प्लस HBr, क्योंकि यहां पे दो पाई बॉन्ड है इस वजह से मुझे HBr भी दो लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक एक करके बताऊंगा आपको स्टेप वाइज। देखिए शुरू में तो आपको छूट है H प्लस और Br नेगेटिव, तो कहीं भी H लगा दीजिए, एक पाई बॉन्ड मैंने ब्रेकअप कर दिया, सपोज ये H मैंने यहां लगा दिया, Br मैंने यहां लगा दिया, ठीक है जी। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल अटैक करेगा, अब इसके ऊपर फिर से अटैक कर रहा है, तो आप देखिए अब H प्लस यहां लग जाएगा और Br यहां लग जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला है जब दो HBr आप एल्काइन्स में ऐड करने वाले हैं। तो अब मान लीजिए मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेता हूं प्रोपाइन करके CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रही है, यहां पे CH है यहां पे CCH3 है, इसके अंदर अगर मैं HBr की एडिशन करवाता हूं H प्लस Br नेगेटिव, तो ये भी फॉलो करेगी मार्कोनिकोव एडिशन जैसे एल्कीन्स में किया था, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और जो इसका नेगेटिव वाला जो हिस्सा है रिएजेंट का वो ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक भी नहीं यहां पे एक है, तो इस पे जाकर रहेगा Br नेगेटिव, H आएगा यहां पे, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2, पर ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एक बार और एडिशन होगी HBr की, इसके अंदर ही एक बार और हम HBr की एडिशन करवाने वाले हैं H प्लस Br नेगेटिव, यहां भी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास दो ऐसा एक भी नहीं है, तो Br नेगेटिव तो लगेगा इस कार्बन पे, एच प्लस लगेगा इस कार्बन पे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका आने वाला है CH3 CBr, नीचे पहले से लगा हुआ एक नया यहां पे आ गया और ये बन गया CH3। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,2-dibromopropane। तीसरा और आखिरी एडिशन रिएक्शन का टाइप है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जैसे कि नाम ही बता रहा है
इस केस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके पाई बॉन्ड को ब्रेकअप करा के एक फ्री रेडिकल की एडिशन की जाती है। इसमें बड़ा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था ये CH3CH(CH2+HBr) तो यहां मैंने प्रोटीन बनाया था Br जो इसका नेगेटिव वाला हिस्सा है, इट विल अटैच इटसेल्फ टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच विल हैव लेस हाइड्रोजन्स। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं किसी परोक्साइड की प्रेजेंस में करता हूं, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करता हूं, यहां पे बेसिकली जो परोक्साइड हम लोग इस रिएक्शन में यूज करते हैं उसका नाम है बेंजोइल पर ऑक्साइड। इस अवस्था में क्या होगा, पहले यूज हुआ था मार्कनिकोफ्स एडिशन जो मैंने बताया था आपको कि भाई नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाकर लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इस बार इसकी प्रेजेंस में जब ही होगा तो यहां पे एंटी मार्कनिकोफ्स एडिशन हो जाएगी। कौन सी एडिशन हो जाएगी, एंटी मार्कनिकोफ्स एडिशन। यानी मेरा कहने का मतलब है जो बी आर नेगेटिव है वो उस कार्बन पे जाके लगने वाला है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसका मैकेनिज्म के थ्रू बात क्लियर होगी कि फ्री रेडिकल कैसे। देखिए पहले प्रोडक्ट बना देता हूं मैं CH3CH2CH2Br वन ब्रोमो प्रोटीन। कैसे हुआ अभी मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। जैसा मैंने अभी एक रिएक्शन आपको लिख के दिखाया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, CH3CH(CH2+HBr) इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड प्रोडक्ट किया आने वाला आपका CH3CH2CH2Br। अब यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है वो अपने मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएट होती है विद द हेल्प ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड का नाम मैंने आपको बताया था बेंजोइल परोक्साइड। बेंजोइल परोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5CO(O)CO(C6H5) दोनों ग्रुप सेम है। सेम होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये आगे इसमें मोनोटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन गिराइस होके ऊपर, ये गिराइस होके ऊपर, इसी वजह से क्या हुआ दो रेडिकल बने मेरे पास C6H5CO(O) रेडिकल। ठीक है जी, इसके बाद एक स्टेप और होगी इसमें, ये जो कार्बन जो बेंजीनिंग से लगा हुआ है यहां भी मोनोटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन गिरा यहां पे, ये गिरा इस बेंजीन के कार्बन के ऊपर, इससे क्या हुआ मेरे पास फिलहाल इन दो में से मैं एक ले रहा हूं। देखिए CO2 अलग, देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आया, ये मिलकर डबल बॉन्ड ही बनाएंगे CO2 बाहर, प्लस में क्या बना मेरा फिनाइल रेडिकल C6H5 रेडिकल। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा एक तो। दूसरी बात, उसके बाद क्या होगा इसी स्टेप में, ये जो फिनाइल रेडिकल जो बना आपका ये HBr पे अटैक करने वाला है। ये स्टेप ए थी पहली स्टेप की, ये स्टेप बी है पहली स्टेप की, प्लस में फिनाइल रेडिकल C6H5 रेडिकल। रेडिकल की प्रेजेंस में रेडिकल ही बनेगा, बेशक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर ये क्या कराएगा होमोलिटिक क्लीवेज ही कराएगा, ये गिरा यहां पे, ये गिरा यहां पे, ये रेडिकल जो हाइड्रोजन रेडिकल है अटैक करेगा फिनाइल रेडिकल के ऊपर और इसको प्रॉपर बेंजीन बना देगा C6H6+ उसके बाद दूसरा रेडिकल क्या बना Br रेडिकल। मेन रेडिकल आपका बन चुका है HBr से Br रेडिकल बन चुका है, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर अटैक करने वाला है। देखिएगा अब जब Br रेडिकल बन गया है वो इसके ऊपर अटैक करने वाला है इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर। देखिए CH3CH(CH2+Br) नेगेटिव रेडिकल,
इसने जुड़ना कहां पे, या तो यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कहां पे, सपोज करो आप इसकी प्रेजेंस में भी इसके अंदर रेडिकल ही बनेगा, रेडिकल दो बन सकते हैं, या तो रेडिकल ये वाला बन जाए और बी आर यहां लग जाए, या फिर क्या हो सी एच थ्री और आपका जो बी आर है बीच वाले पे लगे और रेडिकल ये बने। अब देखिए आपके पास दो तरह के रेडिकल बन गए हैं, ये जो रेडिकल है ये प्राइमरी रेडिकल है और ये रेडिकल कैसा है सेकेंडरी रेडिकल। मैंने फ्री रेडिकल का जो लेक्चर दिया था वह समझाया था कि स्टेबिलिटी वगैरह, शायद आपको ध्यान हो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो बी आर रेडिकल के जुड़ने के बाद जो सेकेंडरी रेडिकल जो आपका बनने वाला है वो स्टेबल बनेगा, यानी कि बी आर रेडिकल यहां अटैक करेगा तब आपका सेकेंडरी रेडिकल आपके सामने आएगा, प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच रेडिकल सी एच टू बी आर। मेरे ख्याल से आपको ध्यान आ गया होगा। अब जो आपका सेकेंडरी रेडिकल बना है इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल एच बी आर आएगा अटैक करने के लिए और अपना एच रेडिकल देगा इससे, तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर वन ब्रोमो प्रोपेन। फाइनली क्या होगा टर्मिनेट भी होना है, तो एक रेडिकल यहां से बना, एक रेडिकल पहले बना था, दो बी आर रेडिकल आएंगे और क्या बना लेंगे बी आर टू। तो कुल मिलाकर इस मैकेनिज्म के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के अंदर भी फ्री रेडिकल जनरेट करवाया जा सकता है।